बसमल रिम्स नाजिन सच रेड के साथ मैं मूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी के आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे आपके सुबह को नाजिन हमेशा की तरह मजीद खूबसूरत खुशगवार और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद होते हैं और जैसे हम बात करते हैं कि हमेशा से हमारी टीम की कोशिश होती है सच टी की हमेशा से कोशिश रही है कि हम उन मौजूद को लेकर आते हैं उन मौजूद के ऊपर डिस्कशन करते हैं जिनकी यकीन हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नाजिन इस वक्त हमारे मुआरे में काफ़ी प्रॉब्लम्स का हमें सामना है काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है हर इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी सारे मसाइल ने जो है वो जगह बना ली है तो उन मसाइल का हमने सलूशन निकालना है उन मसाइल को हमने डिस्कस करना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कर सकें खुशगवार कर सके आज नाजिन हम असलाह मुशर जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम मुआरे की असलाह कर सकते हैं ना इस वक्त माशरे की जहाँ तक हम बात करें तो मुआरे में काफ़ी सारे एक बीमारियाँ लें जो हमें दिखाई दे रही है बुराइयों की शक्ल में अब जो है वो उभरती हुई या उभर चुकी हैं या जिन्होंने अपनी एक जगह बना ली हुई है वो हमें दिखाई दे रही है तो क्यों इतने ज़्यादा तालीमत जो है इस्लामी तलीमत होने के बावजूद अली डिग्री होने के बावजूद इतनी अली तलीम याफ़्ता लोग होने के बावजूद भी क्यों लोगों के अंदर शौर हमें जो है वो कम दिखाई दे रहा है क्यों कहीं ना कहीं कहींम बर्दाश्त जैसी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है लोगों में सब्र नहीं है तहमुल नहीं है बर्दाश्त नहीं है जो हसन अख्लाक की हम बात करते हैं वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है तो इनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कौन सी हैं कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या कौन सी वो रुकावटें हैं जो हमारे इस्लाह में हमारे सामने आ रही हैं इस्लाह के अंदर जो है वो एक रुकावट खड़ी कर रहे हम अपनी इस्लाह नहीं कर पा रहे हम अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद तमाम तर एजुकेशन सिस्टम जो है वो होने के बावजूद हमारे वालदे बड़े अच्छे तरीके से हमारी तरबियत करते हैं तलीमी इदारों में हमारे टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई करते हैं उसके बावजूद ये प्रॉब्लम ये ख़ामियाँ जो वो क्यों इस मुश्रे में हमें देखने को मिल रही है नाजन ये इस्लामी मुआरह है इस्लामी तलीमत को मद्दनज़र रखे तो तमाम उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल सकता है लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले लिया बल्कि दिन बद

प्रोग नफसियात है, है वक्त देने का हमें आज किस आम मौजूद पर आप, हैं। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मेहमानों से बात करना चाहें तो लाइव कॉल करिएफिटली नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है इसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करना चाहते हो हमारे

उसके मसाइल हल करने हैं तो हमें पहले अपनी जात से आगाज करनी चाहिए मसलन मेरे महल में या मेरी गली में अगर बहुत से मसाइल हैं हाँ। अगर मैं अपनी असलाह नहीं करूँगा तो मल्हे वालों को कैसे करूंगा? कैसे? कहूँगा तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहली बात यह है कि जी या इनफरादी असला तो जब हम इस पर ज्यादा तो माशरे की जाएगी खुद ब खुद, खुद हो जाएगी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की वजिया साहबा वाकरे की असलाह की हम बात करें खुद से आगाज़ किया जाए तो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है आज के मौजूद के हवाले से क्या कहेंगे आ, बिल्कुल ऐसा ही है हम साइकोलॉजी के फैक्टर्स को भी माइंड मद्देनजर रखें तो उसमें भी यही है कि एक पर्सनल हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की ठीक है हम क्या करते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर हम इंतजार की बात करें ना तो हम बहुत हद तक ब्लेमिंग ब्लेमिंग पे blaming गेम कर रहे ओ, होते हैं कि दूसरे के ऊपर हम उंगली उठा रहे होते हैं <laughs> वही वही वाली बात है कि एक उंगली दूसरे पे उठाएंगे तो बाकी उंगली अपने ऊपर तो हम उंगलियां उठाने पे ब्लेम करने पे कॉन्स्टेंटली हम अगर सोसाइटी में नजर रखें तो कॉन्स्टेंटली इवन की कोई अच्छा काम भी कर रहा है ना हम उसके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं भी, भी ना कहीं से कोई कीड़ा निकाल ही, ही, ही हम उसके ऐसा काम ही से. है आप नोट करें कि जब से स्पेशली सोशल मीडिया का दौर हाँ, हुआ है जब से लोगों की राय जो है वो बड़ी कॉमन आना शुरू हुई है बड़ी हैरानी होती है बहुत हैरानी होती है कि ज्यादातर चीजें नेगेटिव उठ रही हैं और उन लोगों की तरफ से ज्यादा दुख होता है जो एजुकेटेड है जो पढ़े लिखे हैं जिनके ऊपर ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी आती है सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाने की इस्लाह करने की क्योंकि जो लोग इस्लाह करने वाले हैं जब वही बिगाड़ लाना शुरू कर दें तो बहुत बहुत मुश्किल है कि हम सोसाइटी के अंदर कोई अच्छी तब्दीली लाए exactly. लेकिन उसमें फिर हम क्या है कि हम फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उन उनकी तरफ से हम स्ट्रेस में, में आना शुरू हो जाते हैं हम प्रॉब्लम्स में आना शुरू हो जाते हैं जब हमारा जैनी सुकून ही नहीं होता ना तो वहाँ क्या है कि हम सिर्फ अकेले नहीं उससे डिस्टर्ब होते हम अपने इर्द गिर्द लोगों को भी वो जैनी इंतजार में ले आते हैं है। लोगों से मुराद आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपके घर का माहौल इवन की आपके दोस्तों का माहौल फिर उसमें क्या है कि वो एक फर्द ने देखे उस चीज को कितना फैला दिया बात ये की हमारे अंदर एक तो बेसब्री बहुत आ चुकी है मैं वो बातें कर रही हूँ अगर हम अक्सर लोग कहते हैं टीवी बैठ के बातें करना बहुत है। के बारे में जो मैं अपनी भी अमल रही हूँ और मैं दिन ब दिन देखती हूँ कि मुझे किन चीजों पे काम करना है क्योंकि देखिए इसलाह करते हुए भी टाइम लगता है और बिगाड़ करते हुए भी बिगाड़ ऐसे नहीं एक दिन में आएगा आप आहिस्ता अपनी आदात खराब करते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन ख़राब करते हैं, हैं। और वही आपको पता ही नहीं चलता आपकी जात का हिस्सा वो चीजें बन जाती exactly. कागजाम्पल तो ये बिगाड़ हमारे मुआरे में काफ़ी ज़्यादा आगे चल के इन डिटेल हम इस पर भी बात करेंगे जी प्रोफेसर साहब आपसे भी जानना चाहेंगे इस वक्त माशरे के अंदर कैसे बिगाड़ जो है वो आप देख रहे हैं एक, एक इस्लामी है पढ़ा लिखा है हर इंसान जो है वो आला तालीम याफ्ता है इसके बावजूद प्रॉब्लम और जो है वो हमें फेस करनी पड़ी क्या कहेंगे देखिए जो मुशरा है ना ये एक इंसानी इज्तमी जिंदगी का एक हिस्सा है या इंसानों के जो इकट्ठे रहने का एक 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 पूरा सिस्टम है बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो उसमें देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक दूसरे जो जानवर है उनसे अगर डिफ्रेंश किया तो वो शौर की बेस पे किया है। और इस शौर की क्वालिटी ये रही है कि हमेशा इंसान ने पहले अकेला था तो उसने देखा कि मेरी सर्वाइवल के लिए हम दो चार अगर इकट्ठे मिल के रहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा ऐसे इसकी बेसिस पे फिर जितने जितने मसाइल आते गए उसको इंसान ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया फिर जो ही मुआरा आ थोड़ा सा बड़ा फिर ये हकूक की बात आ गई फिर साथ फरज़ की भी आ गई तो ठीक है लोगों को आपने अवेयरनेस तो दे दिया अब फिर लोगों को फिर इतनी आपने मतलब वहां पर तैयार करना है तरबियत करना है कि वो अपने हकूक का ख्याल और फ्राइज का अब मसला ये आता है कि जहाँ पे माशरे का बिगाड़ पैदा हो रहा है या इस वक्त ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में भी हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहा है ऐसे? वो है मतलब ख्वाहिशात अब ख्वाहिशात जब अनबैलेंस्ड हो जाती हैं अनब्रिडल हो जाती हैं और इसका कोई मतलब हर इंसान चाहता है ना कि मुझे एक एक जो जो मतलब आना चाहता है हाँ। जो मुझे मिल जाए जो मेरे रस्ते में आ रहा है मुझे सबसे पहले अगर exactly. फरज की कोई बात ना हो तो इससे ज्यादा में इतना ज्यादा बिगाड़ फिर इसी की बेस के ऊपर हमारे माशरे में जो रोल मॉडल आ रहे हैं वो सारे रोल मॉडल ऐसे हैं कि अच्छे रोल मॉडल को आप नहीं पोर्ट्रे कर रहे हैं आप उन रोल मॉडल्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं जिसमें अगर किसी के पास बहुत गाड़ियाँ घर हैं और सारा ही उसने मतलब लोगों के हकूक मार के अब चाहे इंडिविजुअल लेवल पे करें चाहे आप किसी एक इदारे के लेवल पे करें हाँ। चाहे आप कंट्री के लेवल पे करें जब भी वो अपने एक ख्वाहिशात में से अनब्रिडल आगे जाएंगे ना तो लोगों के हकूक वो गसब करेंगे उसकी बेस बनेंगे और फिर लोग आम हमारे माशरे में क्या होता है कि जब इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा हाँ। लोगों को अपनी जिस तरह सर सैन ने बात की कि अपनी हर इंसान चाहता है ना दुनिया में आता है तो वो एक कोशिश तो करता है कि मुझे एक ऐसा इन्वायमेंट मिले जिसमें मैं अपनी जिस तरह हमारी ये आपकी सुबह मॉर्निंग शो की पूरी टीम है हम सारे गेस्ट यहां पे बैठे हम

हमें हाँ सामना जिनका करना पड़े क्यों करना पड़े इसकी बेसिक वजूहत क्या हो सकती है क्या घर से या तरबियत से या हमारी तालीम में कोई ऐसी खामी है? ये, ये जो चीज़ें ये जो है ये दिन ब दिन जन्म ले रही है सॉल्यूशंस पर भी हम आएंगे लेकिन उससे पहले ब्रेक की जानी है हमारे साथ रहेगा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद बैक नाजिन साहब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम तो देखने वालों को कहते हैं खुशशा मदीद आज का हमारा मौजूद नाजिम जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जा रहा है इस लाशरे पर हम बात करें उसमें रुकावटें कौन सी है और उसका सदेब आप क्या है इस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है आज के इस मौजू पर नाजिन आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए नंबर आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी सहर नसीम साहब आपकी तरफ आते हैं जिस तरह हमारे बाकी मेहमानों ने भी कहा कि बेशुमार ख्वाहिशात का जन्म ले लेना नमूद नुमाइश का जन्म ले लेना हमारे माशरे में जो हम अपनी इसलाह नहीं कर पा रहे उसकी एक बेसिक वजह ये भी हो सकती है देखिए बेसिक वजह सिर्फ यही नहीं है इसके अलावा और भी बेशुमार, बेशुमार हैं जब हाँ। आप एनालिसिस करेंगे तो आपके हाँ। सामने आते जाएंगे इस शोबे में जितना काम हुआ है लोगों ने बहुत बहुत सी आइडेंटिफाई भी की है ऐसे ही है। अभी आपने आगाज में बात की थी इस्लाम के हवाले से हमारे माशरे की असलाह का तो एक सवाल यही पैदा होता है कि इस्लाम के दायरे में होने के बावजूद हम अपनी असलाह क्यों नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते बिल्कुल? ये बहुत बड़ा सवाल है और हाँ। इसका सिंपल सा जवाब यह है कि इस्लामी तलीमत तो हैं हाँ। लेकिन हमने उनको अपनी ज़ात पर और अपने मुआरे पर अप्लाई नहीं किया वो अमल ना होने नहीं की वजह से और आप जब दूसरे माशरों को देखेंगे यूरोप को देखें अमेरिका को देखें उन्होंने हमारी जो बेसिक वैल्यूज हैं इस्लाम हाँ, हाँ, की उनको साथ ला के अपने मुआरे की मुकम्मल तौर पर असलाह भी कर ली बिल्कुल ये बात छोटी मोटी खराबियों की नस्बत जब हम उनकी छोटी मोटी खराबियों से अपनी बड़ी बड़ी खराबियों का मुजन करते हैं तो पता चलता है कि वी आर नो अवेयर तो यह एक बात है कि माशरे की असलाह के लिए हमें एक तो इस्लामी तलीमात पर अमल करना हुँ, चाहिए हुँ, और दूसरे जो दूसरे ममालिक ने, अपार्ट फ्राम दिस अदर फील्ड में मसलन इकॉनमी में वेलफेयर में जो काम किया है वो मज़ह से मुंसलिक होकर नहीं किया हमें भी इन चीज़ों को

बहुत पढ़े लिखे तबके की रहनुमाई की जरूरत है लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा इकतदार में आने वाले लोग खुद मसाइल का शिकार हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे तो चौहत्तर पचहत्तर सालों से ये चीजें पचहत्तर सालों से तो हमारा यही है खास तौर पर जो सियासत में हम तमाशा देख रहे हैं पचहत्तर साल में से चंद साल शायद आप हटा दें बाकी ओवरऑल आप हमेशा यही दप, तमाशा देख रहे हैं है। मैं चूँकि दस साल इसम्बली में भी मुलाजमत करता और मैंने वहाँ बहुत से सियासतदानों को अंदर कुछ कहते देखे और बाहर, बाहर कुछ कहते कुछ। देखा बिल्कुल ये जो तजाद है हमारा ये हमारी माशरती मसाइल की जड़ है और खुदा करे कि हमारे लिए कभी कोई ऐसा अच्छा दिन आए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे माशरे में इसलाह भी हो गई है और हमने अपनी जात तक उसमें अपना हिस्सा भी अदा को, को, उनको फॉलो करते हैं देखते हैं कि वो उनकी हरकत क्या है उनका बिहेवियर क्या है आपकी बात दुरुस्त है बहुत हद तक दुरुस्त है लेकिन ऊपर से नीचे आने वाली बात में से मैं थोड़ा सा इख्तरा करूंगा अगर ऊपर के लोगों में जज्बा है इसला का लेकिन हमारे नीचे के जज्बे जिसको मैं वोटर भी कहता हूँ या वोट बैंक कहता हूँ हाँ। अगर वो दुरुस्त नहीं है हाँ। तो फिर ऊपर वाले तबके का इस्लाही या माशरे की असलाह का हाँ। जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वोट वाले खुद ऐलानिया कहते हैं कि हम इतने पैसे लेके वोट देंगे हत्या के वोटिंग के दिनों में हमने लोगों को मुफ्त का खाना देके वोट देते हुए देखा तो ये जो है ना ओवरऑल बिगाड़ है हमारे हां इस बिगाड़ को अल्लाह करे कि कोई ऐसा लीडर आए जो पूरे तरीके से सही कर सके एक्जेक्टली exactly, इंशाल्लाह बिल्कुल वजीर साहब हर तरह से हर तरफ से बिगाड़ ही बिगाड़ हमें दिखाई दे रहा है तो हम कब ये असलाह की तरफ आएंगे क्योंकि जब तक हम अपनी असलाह नहीं करेंगे इन चीज़ों को समझेंगे नहीं शोर नहीं आएगा चाहे वो किसी भी फील्ड से मुतलक हो जाए वो सियासत से ले लें किसी और फील्ड से ले लें एक आम जो हमारी ज़िंदगी हम जिस तरह से बसर करें उसको ले लें लेकिन जब तक ये इन इस बिगाड़ का ख़ात्मा इन चीज़ों का एक शोर हमारे अंदर नहीं आएगा हम वो इस्लाही ख्वाब पूरा नहीं कर ऐसा सकते ही है, ऐसा ही है अच्छा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इसलाही में कि हम समझते हैं कि हम दुनिया में आराम करने के लिए आए हैं ठीक <laughs> है हम दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हाँ. आए हैं अच्छा हम अपनी तकलीफ का मकसद भी भूल गए कि हम हम क्यों है? Exactly. हम क्यों हाँ। एग्जैक्टली ना एक्चुअली अपने मकसद को भूल गए हैं हम दुनिया में सरवाइव करने के लिए आए लेकिन हम क्या कह रहे होते हैं कि हम आराम को पाने के लिए अपनी दूसरों की जिंदगियों में तकलीफ ला रहे होते exactly. हैं ठीक है हम ये चीज समझ जाए ना कि ये ये एक पॉइंट समझ जाए कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है हम सबको कोई ना कोई टैलेंट अल्लाह ने दिया हुआ है हमने उस टैलेंट को करना है डिफरेंट मौजूद उन को हमने निकालने है एक्सप्लोर yes. करना है और आप नोट आप नोट करिए वो लोग जो अपनी को निकाल के दूसरों को फायदा दे रहे हैं, उन, वो मैं ये नहीं कहूँगी नफरत जैसे हुँ। हुँ। खुशी है मोहब्बत है प्यार पार्ट है पर्सनलिटी का अगर कोई ये कहता है कि मैं जेलिस नहीं होता तो आप कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट होते हैं लेकिन उसमें दो दो पहलू आते हैं एक तो या तो उस jealousy से उस इंसान हसद करके उस इंसान हाँ, का नुकसान करते हैं या हाँ, उस उस हसद से अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं एक्जेक्टली exactly, चैलेंज के तौर तो पे ले चैलेंज yes, ले एक रोल मॉडल्स को समझ yes, ले

बेसिकली हम सोसाइटी में देखें तो इंसान जो शौर है शोर और जज्बात का मजमुआ है दिमाग और दिल का मजमुआ है ठीक है ठीके? हम अगर इन दो को बैलेंस कर लेते हैं हमारी जिंदगी और इवन के दूसरों की जिंदगियों में हम रोल मॉडल के तौर पर चलते हैं बिल्कुल है। अब प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा एक पॉइंट एड किया कि रोल मॉडल हमारे रोल मॉडल क्या सॉरी मैं ये पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगी सबको पता है हम रोल मॉडल और ये बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में हमारे रोल मॉडल चेंज हुए हैं न्यू जनर

प्रमोट भी किया जा रहा है प्रमोट किया जा, जा रहा है और उसकी मेन प्रमोट क्यों किया जा रहा है पैसा आ रहा है <laughs> सिर्फ पैसा पैसा और शोरत ये दो चीजें मिल रही है घर वालों को भी ये होता है कि चलो कमा रहा है बच्चा अर्न कर रहा है अर्निंग इनकम सोर्स कमा रहा है इस चीज़ का पहले ये चीज़ का ये चेक रखी जाती थी वो हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है ना बड़ा स्ट्रोंग होता था ट्रू बिल्कुल आप जब इस ये जो पैरामीटर हमारे मुझे मुझे बड़े अच्छे से याद है आपकी बात कट कर रही कि मेरे अंकल आए थे मुझे वो जाते हुए एक मेहमान नमाज वो एक होता था एक आज भी ट्रेंड है गाँव के एरियाज में उन्होंने मुझे ना कुछ पैसे दे दिए अब वो मैं वालदा को बताना भूल गई कि मुझे उन्होंने दिए थे जब उन्होंने मेरे पास वो एक्स्ट्रा पैसे दे के लिटरली मुझे डांट पड़ी और जब तक उन्होंने तस्दीक नहीं की उनसे पूछा नहीं कि अच्छा आपने महविश को दिए थे तब तक मुझे डांट पड़ी और इतनी सख्त अल्फाज के साथ इवन मतलब एक वो मारना रह गया था लेकिन आज हमारे बच्चों के पास कितना पैसा है कहाँ से आ रहा है किस तरह से आ रहा है बिल्कुल चेक एंड एग्जैक्टली yes, हमारी जो वो जो वो ख्वाहिशात का जो वर्ड अगेन प्रोफेसर साहब ने किया कि हमारी ख्वाहिशात हम हला देखिए बेसिक पैरामीटर से हम इधर उधर हो गए बेसिक पैरामीटर पहले तो हलाल हराम बाकी चीजें तो एक तरफ है

पॉइंट है कि इसमें डेफिनेटली वालदे की बहुत जिम्मेदारी आ जाती है तरबियत का बहुत अहम रोल है इसको आगे जाकर चलकर डिस्कस करेंगे लेकिन ब्रेक की जानी बढ़ने नजरिया हमारे साथ रहेगा मिलते एक ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप तमाम तो देखने वालों को कहते हैं खुश आमदी हमारा आज का मौजूद नाजिन जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है इस्लाह माशरे पर हम बात करें कौन सी रुकावटें हमें दरपेश है उसको हम डिस्कस करें और सदे बाब इसका क्या हो सकता है उसको डिस्कस किया जा रहा है आज के इस अहम मौजू पर नाजिन आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए नंबर आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी प्रोफेसर आसिफ रसूल साहब आपकी तरफ आते हैं जिस तरह वजी से भी मैंने बात की कि इंसान अपने अशरफुलमखलूक़ात होने का अपनी तख्लीक का मकसद मतलब भूल गए कि हम अशरफ अमखलूक़ात क्या है अल्लाह ने हमें इतनी खुदादाद अदाद से नवाज़ा है उनका इस्तेमाल करते हुए उनको उजागर करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं अपनी असलाह करें लेकिन नहीं वो एक शॉर्टकट के चक्रों में या जिस तरह हम पैसे की बात करें हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल हमने बदल दिया uh... इस पर ना मैंने बचपन में पढ़ा था और मैं अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा जिसको इस्तेमाल करता हूँ और मैं ख़ुद भी हाँ। यकीन करें बॉर्ड डरता हूँ ये जो अभी अभी हाँ। हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट था बानो कु का वो जो नावल है ना हाँ। राजा गिद उसमें एक बड़ी जगह पे है कि जो ही हराम का लुकमा आपके गले से नीचे जाता है तो इसके असरा शुरू हो जाते हैं अब इसके क्या ही अच्छा होता है कि असरा सिर्फ आप तक होते हैं असरात आपके बच्चों पर भी पड़ रहे हैं असरा आपके पूरे घर पे पड़ रहे हैं अब जिनका तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वो हमेशा इसको अवॉइड करेंगे लेकिन इंसान है चूंकि जब भी रेस में हम चलते हैं ना तो आप देखें कि मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि वॉर में अगर जाएंगे ना तो सारे रिलैक्स वापस आएंगे बहुत मुख्तलि ट्रायल से आप गुजर रहे होते हैं ना तो किसी को कट लगा किसी को बुलेट लगी किसी को कोई और मसाइल हुए वो जब बाहर आते हैं ना तो उनके अंदर कोई थोड़ी थोड़ी मसाइल होते हैं क्योंकि जारी सी बात है जो आपका मोशन होता है वो आपको इफेक्ट कर रहा है तो फिर क्या होता है कि फिर हम हमारे पास ना एक अच्छे मॉडल्स हमें दिखाते हैं मसलन हमारे यहाँ जो मैं चूंकि बच्चों को मैंने बहुत ज्यादा रिकमेंड करनी होती है पॉडकास्ट रिकमेंड करनी होती हैं इस तरह की वीडियोस ऑडियोस बहुत ज्यादा रिकमेंड करनी होती है तो अब देखिए छोटे बच्चों के लिए हमारे पास अपने पास हम जितने हैं ना वो बाहर के मतलब जो कार्टून भी हैं हमारे पास अपना ऐसा मटेरियल कोई नहीं बना हुआ जो पाकिस्तानियत की बेस के ऊपर हो जो इस मतलब हमारे दीन की बेस पे हो या उससे रेलिवेंट स्टोरीज हो तो अब मसला यह है कि उस बच्चा वो एंटरटेनमेंट तो ले रहा है लेकिन उस एंटरटेनमेंट के साथ वो कल्चर भी ले रहा है एग्जैक्टली exactly, जो दिल्गुल उसके लिए बड़ा यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो बात यह है कि जब हम देखते हैं ना कि मतलब अब करंट सैनारी में कि बहुत ज्यादा मसायल लोगों का ये ना कॉन्सेप्ट बड़े तो बात यह है कि अगर हम जैसा सर ने पहले भी कहा कि इसको ना एक रिवाइवल की दी मतलब हमारे अब तो इवन मैंने अक्सर देखा है कि क्लासेज में लोग डरते हैं इवन प्रोफेसर डरते हैं कि इस्लाम की बात करते हुए अच्छा ये कोई ओल्ड थाट्स ना हो जाए मतलब मैंने ये देखा है हाँ। कि बड़ा ही बच्चा जो छोटा जेन इवन ग्रेजुएशन लेवल पे हाँ। वो इतना एब्जॉर्व करते हैं कि जब आप वाकयात छेड़ते हैं ना तो बेसिकली ये जो anky. मतलब माइंड मेकर हैं ये जो अच्छी थिंकिंग डेवलप करने वाले हाँ। हाँ। हैं तो उसमें पेरेंट्स आ गए आप सोसाइटी uh, के मतलब सिविल सोसाइटी के लोग आ गए टीचर्स आ गए इनका इतना ज्यादा रोल होता है ना इसको डेवलप करने में ताकि उसमें फिर आपकी तरबियत आप देखें कि मतलब सारे ये जो मुआरों की यही है ना कि भटियां हैं ना ये भटियां तैयार करती हैं तो सर, सर एग्जाम्पल दे रहे थे बाहर की माशरों की हाँ। मसला मतलब बाहर के मुशरों में यह है कि बच्चा जब निकलता है चले उसकी घर की भी तरबियत फिर उसके हाँ। आगे ना पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं और फिर वो बहुत सारे लोगों को देख रहा है कि मतलब हमारे यहाँ आम होता है ना कि एक स्किल आती है कुछ छोटी सी क्वालिटी हम उसकी इतना

होटल्स में जा रहे हैं हाँ। तो जो भी है चलन जी कढ़ाई की पूरी जब तक साथ नहीं आएगी कोई मतलब कॉफी का कप है उसको लाजमी आना चाहिए एक तो एक मतलब प्रोजेक्ट सेल्फ में जो कुछ सारा तो आ, आ रहा तो 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 है ना तो हमें तरबियत के लिहाज से जो हाँ। कि देखें ना हमेशा यही होता है कि जब हम देखते हैं कि इसमें बिगाड़ हो रहा है तो उसके लिए फिर कोई ना कोई सदबाप जो इख्तियार किया जाता है तो उसमें फिर इन भट्टियों की तरफ वापस आपको आना पड़ता है कि जब इनमें से लोग निकल के आ रहे हैं तो क्या ऐसा किया जाए कि जो इनके अंदर डेवलप किया जाए घर हाँ, से जिस तरह हाँ, पेरेंट्स का बड़ा बड़ा दिल करता है कि उस तरह आप देखें ना कि जब बाहर आते हैं तो मतलब मैं उस मॉडल को देखता हूं पेरेंटिंग में कि उस जिस घर से बच्चा बाहर आया हाँ, तो वो आपको स्कूल में बता रहा है कि मेरी क्या ट्रेनिंग हुई है फिर आगे स्कूल और फिर पेरेंट्स का हो कॉलेज में आगे दो जगह का बता रहा है कि ये रिफ्लेक्शन है फिर जब वो मुशरे का आता है तो वो ये तीन चार एलिमेंट बन के फिर निकलते हैं अब मसला ये है कि कहा पे पेरेंटिंग में वीकनेस थी कहां वीकनेस कि जो जोशरे के हवाले अगर बड़े पीसफुली रहना है हाँ। तो वहाँ पे हमने ये बच्चे का वाले का टीचर का ये एक ट्राइंगल है इस ट्रायंगल को सेट होने की जरूरत है अगर हमने ये इस्लाह की जहाँ तक हम बात करें क्या कहते हैं बच्चे और वाले का क्या

उन दोनों की एक जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है उनके अंदर इंटरेक्शन होना चाहिए और उन्हें अपना इल्म और अपना जो महारत है इस सिलसिले में बच्चे की तालीम और असलाह के लिए एक्सचेंज करना चाहिए और इन क्लोज कॉन्टेक्ट रहना चाहिए बजाय इसके कि टीचर कुछ पढ़ाए और घर आके उनको <laughs> वालदे को पता ही ना उसने क्या पढ़ाया वो अपनी मार मारी जाए तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक तीन छः जुलाई तो नहीं दो जुलाई काम है कि टीचर और पेरेंट्स दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों महसूस करें क्योंकि टीचर्स को भी इस्लाम में वही दर्जा दिया गया जो कि वाले वाल ऐसे ही इसलिए टीचर्स पूरे खलूस के साथ अपनी औलाद की तरह अपने उन उनको समझाएं हाँ। और ये भी बताएं कि घर पहुंच के अपने वालदेन से बातें करके अपने आप को उस रास्ते पर चलाएं जहां टीचर्स और वाले दोनों का एक मीटिंग पॉइंट होता है बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझता हूं इसके बगैर बच्चे की तलीम के लिए असला के लिए कोई और एग्जैक्टली exactly, मुमकिन ही नहीं वजह से वाकई वालदे का बड़ा अहम रोल है बहुंत इन तमाम चीज़ों में और जहां हम साथ टीचर की भी बात कर रहे हैं तो आज कल वो तालीम वो तालीमी इदारे या वो टीचर्स भी नहीं रहे उनमें भी वो कहते हैं मिलावट है वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे Uh, मैं जैसे uh, जो पिछला सेगमेंट गुजरा उसमें से, यही बात करी हाँ। थी कि रोल मॉडल्स जो हम बना रहे हैं अब पेरेंट्स भी रोल मॉडल होते हैं टीचर्स भी रोल मॉडल होते हैं ठीक है रोल मॉडल पहले तो वही होते हैं ठीक exactly. है बेसिक हम देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं बच्चे के पेरेंट्स हैं इस तरह टीचर्स हैं वो रोल मॉडल्स अब वो रोल मॉडल्स अगर उनमें कमी आती है तो डेफिनेटली बच्चा क्योंकि वो देख रहा है वो समझ रहा है कि यही दुनिया में रहने का तरीका है बेसिकली <laughs> रोल मॉडलिंग क्या आप सीखते हैं तरीका क्या है जैसे आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो पहले आप उसके देख लेते हैं मैनुअल्स पढ़ लेते हैं कि तरीका क्या है तो ह्यूमन ब्रेन जब पैदा दुनिया में ही आता है तो वो सिंस डे वन वो लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उससे पहले ही बल्कि स्टार्ट हो जाता है तो उस लर्निंग प्रोसेस में जब रोल मॉडल्स जो है वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं उनकी अपनी पर्सनैलिटीज डेवेलप नहीं होती या वो इस्लाह की तरफ नहीं आते वो खुद उनको पता एट में पता भी नहीं होता हम बिगाड़

कोई छोटा इसला अच्छी दे कर देता है हमारी कभी कोई बड़ा अच्छी कर देता है इसला तो रोल मॉडल जहाँ तक आ, 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 बात की गई कि वो रोल मॉडल्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं है। अब उसमें क्या है कि एक चीज़ और मैं कहूंगी कि हम हमारे ना वो चीजें शिफ्ट हो रही हैं हाँ। हमारी पेरेंटिंग में शिफ्ट आ गया है हाँ. हमारी टीचिंग स्किल्स में शिफ्ट आ गया है हुँ. हमारे जो गोल्स हैं उनमें शिफ्ट आ गया है पेरेंटिंग हाँ. में अब गोल क्या है कि बच्चे को किस तरह से आरामदेह एनवायरनमेंट दिया जाए जी जी, बच्चे बाद को इन डिटेल आगे बढ़ाते ब्रेक ब्रेक के जाने बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नाजिन हमारे साथ रहेगा मिलते हैं बैक नाजीन फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद हमारा आज का मौजूद पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि इस्लाह मुआरा कितना जरूरी है किस तरह से मुआरे की असलाह कर सकते हैं उसमें रुकावटें कौन सी हमें दरपेश है और उसका सदेबाप क्या होगा यकीन ना नाजिन आज का मौसम हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि बेशुमार प्रॉब्लम्स हमें इस सोसाइटी में हम सब की ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और जो कि हमारी खुद की क्रिएट की हुई हैं तो डेफिनेटली उनको सॉट आउट करना उनके सोलूशन निकालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है अपनी असलाह करना अपने मुआरे की असलाह करना यह भी हम सबकी जिम्मेदारी है तो इस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी लाइव कॉल के जरिए आप भी हमें जॉइन कर सकते हैं नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं जी वजय ब्रेक पर जाने से पहले आप ही डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि हमारी तमाम जो जिंदगी है जो तर्ज ज़िंदगी

देने हाँ। बच्चे के पास अच्छे से अच्छा लेकिन नो डाउट में इसको बुरी चीज़ नहीं कह रही आप जब सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा पहनावा भी हमारा बहुत मैटर करता है लेकिन इसको पहले नहीं रखना हमारे प्रायोरिटीज सेट नहीं है exactly. जो चीज़ सबसे नीचे होनी चाहिए वो सबसे ऊपर आ गई है ठीक है ये चीज़ की हम चीजों को रखें और अच्छा है हम गुजरते वक्त के साथ चीजों में हमारे एडवांसमेंट आ रही है hmm. लेकिन एडवांसमेंट प्रायोरिटाइज नहीं हम exactly. कर प्रायरिटा दौरे हाजिर के तकाजों को मद्देनजर रखें उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें लेकिन एक तरीके के साथ ऐसा ही है तो वो जो ये जो ये जो चीज़ है बच्चों के अंदर जो है ना ये ऐज से पहले यही स्ट्रेस आना शुरू हो गया उसके पास टैबलेट है मेरे पास नहीं है चाइल्ड हुड डिप्रेशन की मैं बात करती हूँ बहुत क्वेश्चन तो भी करते हैं इसके ऊपर लेकिन मैं क्योंकि एक सेटअप में बैठी हूँ ऑल द टाइम मैं देख रही हूँ उन इशूज को और मुझे पता है ये बढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए हम अमूमन उन्हीं चीजों को समझते हैं जो हमारे सामने हो रही है अब डिप्रेशन आपको नहीं पता अगर आपकी शादी नहीं आपके बच्चे नहीं है या आपके घर में बच्चे नहीं है तो आपको नहीं पता चालो डिप्रेशन क्या है राइट बहुत सारे लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं कि चलो डिप्रेशन कहाँ से आ गया आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे कोई तो है उसको तो छह साल सात साल आठ साल की उम्र में ये टेंशन लग जाती है मेरे पास ये टैबलेट क्यों नहीं है फोन क्यों नहीं है अम्मा अब फोन क्यों कॉन्स्टेंटली तो यूज करे मैं मुझे क्यों लाऊ नहीं है ऐसे से क्वेश्चन बच्चे के माइंड में क्योंकि रोल मॉडल चेंज हो गए ना आ, हमारे हमारे पेरेंट्स जो सिखाते थे वो पहले करते थे सिखा रहे हैं हलाल हराम वो बता रहे हैं करके सिखा इम्प्लीमेंट बताते हैं लेकिन हमारे हमें करके तजाद आ गया घर के अंदर ही जब तजाद है तो मुझे सोसाइटी को क्या किस तरह प्रोफेसर जब घर के अंदर ही ये हमने डिवाइड कर दी है ये तजाद घर के अंदर से देखने को मिल रहा है

अच्छा जी ये ये इसके ऊपर ना आपने फिर एंड पे उन बच्चों को ना वो मार्क्स देती है अच्छा, अच्छा उसकी तीनों बच्चे हैं तीनों बच्चे जिस तरह मजेदार तरीके से मतलब उनको सोसाइटी में भी वो इंगेज कर रही है हाँ हा। उनको आजकल के दिनों में वो कैंप्स के ऊपर गए हुए हैं तो उसने एक एक माँ बाप का ख्वाब होता है ना कि हम क्या चाहते हैं इनसे क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं तो उसे ना अपना एक क्लियर होता है कि इस एक्टिविटी में मैं अपने बच्चों को इसलिए भेज रहा हूँ कि इनकी ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए अब पहले सबसे पहले है, पेरेंट ए, पेरेंट्स की अपनी ना अवेयरनेस किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस उनको कितनी ज़्यादा है अगर ये अवेयरनेस नहीं है तो ठीक है वो पैसे तो दे सकते हैं वो किसी अच्छे स्कूल तो भेज सकते हैं लेकिन घर से कोई ऐस सच उन्होंने कोई चीज़ उनके अंदर डेवलप नहीं की तो सबसे पहली जो भट्टी है ना इसके ऊपर मेरे ख्याल में ये जो वो इम्प्रेशन मेकिंग की जरा ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि मेरे ख्याल में बर्थ से लेकर कोई छः सात साल तक वो फॉर्मेशन वो हो चुकी होती है और वो सबसे पहले अपने घर से पिक कर चुका होता है तो उसमें मतलब अगर आपने अपने मॉडल में नहीं रखा हुआ कि थोड़ा बहुत जिंदगी में सेक्रीफाइस भी करना है अच्छा जी लोगों को सपोर्ट भी करनी है तो आपको फिर माशरे में इस तरह के ये ए जैसे इंसान नहीं मिल सकते आ, मतलब उनकी मैं एक बुक पढ़ रहा था ब्लाइंड टू द मिरर मतलब इतनी खूबसूरत मतलब उस अब ये एक रोल मॉडल है कि मतलब मैं यकीन करें कि हिल गया है मतलब जब मैंने वो पढ़ा ना कि नाइन्टी टू का ये जो कोलेजन हुआ दो ट्रेन का अब उसमें वो आ, मतलब हेलीकॉप्टर के ऊपर है और कहीं रस्ते के मिडल में कैप्टन को कॉल आती है कि uh, वो उनको बताया जा एक मैसेज दिया जाता है सही अच्छा वो मैसेज जब एडी साहब को देता है ना कहते हैं कि बिलाल आपका पोता है वो एडमिट था कहते हैं हाँ, पोता है। तो कहते हैं है। उसकी डेथ हो गई है हाँ। तो कहते हैं कि आप क्या करें तो उसने कहा नहीं उन्होंने हाथ उठाए इन्नाजून पढ़ी दुआ पढ़ी उन्होंने कहा मैं अपने मिशन पर निकल रहा हूँ और बल्किस को कहना कि मैं नहीं ज्वाइन कर सकता आप यकीन करें कि यहाँ पे खुद रोक के ना सोचे ये है हमारी हमारी exactly. जो है ना मॉडल्स है exactly. जो कि किसी भी लीडर के लिए किसी भी पेरेंट के लिए ये एक मश है जो आपके अंदर मतलब मैं आप यकीन करें कि अभी भी ना इस इस एक इस एक इंसिडेंट जो मैंने पढ़ा उस बुक में मतलब मुझे एक लगा कि वाक क्या कमाल का इंसान था और फिर वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे प्रॉपर दफना के आया वापस आया तो फिर मैंने कमरे शमरे बंद करके मैं खूब रोया और फिर कुछ दिन मैंने देखा कि वो बिल्किस आती थी हमारा जो पोता था हमारा बड़ा प्यार था उसके साथ तो हम देखते थे कि मतलब हम अक्सर रोते थे उसकी चीजें निकाल के फिर एक देखें बड़े लीडर का मतलब क्या डेवलपमेंट हुई थी उन्होंने क्या बात सुनो हाँ। इस गम को बहुत लंबे अरसे तक वो दुनिया से चला गया है और हमने आगे काम करने आगे। और ना ये थी करना उनकी माँ की बात करें ना तो उनकी अपनी माँ की इतनी टफ लाइफ थी हाँ। लेकिन उस टफ लाइफ में भी उस माँ ने सिखाया है कि रोजाना दो से के एक तुम्हारे क्लास वालों के लिए और उसमें ये तो हमें सिर्फ एग्जाम्पल दी जाती है ना कि मतलब हमेशा तो ईदी साहब रोजाना लगाते नहीं थे वो कभी कभी खुद और वो इतना मतलब माँ की तरफ से सख्ती होती थी कि तुम लालची हो तुम ऐसे हो तुम क्यों नहीं लगाते हो को? अच्छी भली उसकी उनकी क्लास लगती सही थी सही। देखे ना फिर उस, उस एक चीज़ ने फिर वो हमेशा देखते थे कि जब भी उनके अब्बा पैसे भेजते थे उसमें से खास अमाउंट वो अपने जितने गरीब रिश्तेदार होते थे ना या उस मोहल्ले में जो बहुत गरीब लोग होते थे तो वो औरत हमेशा उनके लिए भेजती थी कि मतलब ये अब ये ईदी साहब खुद देने जाते थे तो देखे ना जब ऐसा मॉडल आपको घर से मिला फिर आपने एक लंबे अरसे तक ये प्रैक्टिस की हाँ। फिर आपके लिए आसान है ना कि जब आप में आए तो म, म, पूरी दुनिया में नहीं वो मॉडल देख रहे हैं लोग और भी भी। लोग और तो उससे बात आती है अपने घर पे सबसे पहले जो स्ट्रेंथ बचा लेता है ना वो आप अपने वो अपने फादर अच्छा, से लेता अच्छा है प्रोफेसर साहब घर के साथ साथ जो हमारी कंपनी जो जिस गैदरिंग में हम बैठते हैं जो हम इसला की बात कर रहे हैं उसमें रुकावटों की बात करें उसमें जो जहाँ उसका जो गेट टूगेदर है जिन लोगों में है, जो उसके जो दोस्त है, ये भी तो एक बड़ी वजह है, है? अच्छा है।, हाँ. है ना हाँ. तो वो आप कहते हैं बहुत बड़ी मेहमार बैठी तो उनको ये देखना होता है की अब प्रॉब्लम यह है की ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में ना पहले ही होता था की मेरा जेहन में एक था की जब मैं मतलब दस साल पहले का ना कि न ये नहीं होना चाहिए जहाँ मर्जी जिसके साथ मर्जी

किसको फॉलो कर रहा है किसको सुन रहा है और वो अपने हीरोज़ को आपको नहीं पता कि किस तरह उसके अंदर वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं है, मैंने अगर है। देखें कि बाहर का वो आ,

यकीन और बिगाड़ की जानब जा सकती है अगर उनके ऊपर अभी से नजर सानी ना की चकन बैलेंस ना रखा सोशल मीडिया की बात की है कि ये भी आ, हमारे लिए काफ़ी नुकसान जो है वो साबित हो रहा है आगे चलकर इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले ब्रेक की जानी बढ़ना है हमारे साथ हुएगा बोलते हैं एक ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आप तमाम तो देखने वालों को कहते हैं खुश मदीद हमारा आज का मौज जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है असला पे हम बात करें उसमें किन रुकावटों का हमें सामना उसका उसका बाब क्या है यकीन नाज़ी आज का मौजू हम सबके लिए बहुत अहमियत रखते हैं क्योंकि हम असलाह की बात कर रहे हैं मुआरे से पहले अगर हम अपने असलाह की सोचें हम अपने जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स जो हमने ख़ुद क्रिएट की हुए हैं जो हमारे मसाइल हैं उसको हम पहले बेहतर कर लें तो यकन फिर उसके साथ साथ फैमिली और मुआरे की हम इसह कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर अपनी असलाह से हमने आगाज करना होगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ दूसरों को तो सुधारने की बात करते हैं दूसरों को तो बेहतर करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी इसलाह करना जो है वो हम भूल जाते हैं और किन रुकावटों का हमें सामना करना पड़ता है उस पर भी हम डिस्कस करें मौजू पर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं एक दफा फिर से उनका तारुफ करवाते हैं जी हमारे साथ सहर नसीम साहब हैं उनके साथ वजिया जफ़र साहिबा हैं उनके साथ प्रोफेसर आसिफ रसूल साहबा है मेहमानों का शुक्रिया हमें वक्त देने का नाजिन आज के अहम मौजू पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार कर सकते हैं लाइव कॉल कीजिए नंबर आप स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं जी सहन नसीम साहब ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से आसिफ साहब ने सोशल मीडिया की तरफ इशारा किया सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी की बात करें बहुत तरक्की कर चुकी है ग्लोबल विलेज बन चुका है और बड़े फ़ायदे इससे हमें मिले हैं एक हमारी जो फासले हैं वो इसने कम कर दिए हैं लेकिन ये जो गैर हम तस्दीक नहीं करते और बिला वजह का बेमकस बे मवाद हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बग़ैर किसी वजह के हम लोगों से कनेक्ट डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो इससे हम किस तरह से निकले कि ये जो मनफी चीज़ें हैं सोशल मीडिया के थ्रू हमारी ज़िंदगी पे हावी हो रही हैं? पहले तो मैं आपसे यर्ज करूँ कि पहले थोड़ी सी सलाह आपकी करूं? जी जी बोले मेरा नाम नसीम ए सहर है सहर नसीम नहीं है ठीक है नसीम ए जी <laughs> बोले जहाँ तक तल्लुक है सोशल मीडिया का सोशल मीडिया जो है इस वक्त जो सूरत हाल है वो एक ईविल मीडिया बन गया है अगर आप चंद टी वी चैनल्स को जो अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन बैसीत मजबू सोशल मीडिया का किरदार मस्बत नहीं है मनफी है और उसमें जाहिर है फिर जब हम इस माशरे की बात करेंगे तो सोशल मीडिया से हमें क्या तुक्क हो सकती है जब वो मनफी चीज़ों को उछलता है स्केंडलेशन बहुत ज़्यादा करता है डेफामेशन के काम करता है तो उससे हम ये तो कुछ भी नहीं रख सकते कि सोशल मीडिया भी अपने कमर्शियल मामलों में उनका एक पहलू होता है कि कमर्शियल किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाए इसलिए सोशल मीडिया में जो बड़े बड़े हमारे माली माली डॉन हैं उनके बारे में बात कम होती है क्योंकि उनको मिल जाता है पैसा अनफॉर्चुनेटली ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन सिलेक्टिव आप जानती हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो जब इस तरीके से माली मामलत से मुतासर होकर आप मेन पर्पस को एक साइड पर कर देंगी और मनफी चीज़ों को उछालती रहेंगी फिर मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया से हमें कोई ज़्यादा तो नहीं रखनी चाहिए नहीं। लेकिन सोशल मीडिया का मुकाबला हम हम अपने जो डायरेक्ट माशरे की लीडरशिप है रहनमाई है उसके ज़रिए हम सोशल मीडिया का जो रोल है उसको काउंटर कर सकते हैं एग्जैक्टली मुझे सब इस वक्त मुआरे के अंदर इंतजार की वजह जो है आदम बर्दाश्त है लोगों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है और डिप्रेशन डेफिनेटली हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि हम जब ख्वाहिशात को बढ़ावा देते तो वो डिप्रेशन की सूरत में सामने आना शुरू हो जाती तो इससे निपटने की कुछ सलूशन को वजह एक क्या वजह है कि ये इतनी डिप्रेशन हमारे ऊपर हावी होते जा रहे माशरे के अंदर ये चीज़ें इवन अगर घर से निकलने से लेके वापस घर जाने तक रास्ते में जो भी चीज़ें आती है वो डिप्रेशन के तौर पे अपने ऊपर हमने सवार कर बहुत ज्यादा खूबसूरत सवाल है क्योंकि डिप्रेशन के ऊपर जितनी बात की जाए कम हाँ। है लेकिन हम ये बात करेंगे कि इसकी रूट कहाँ से बन रही है बिल्कुल ऐसे। इसकी जो रूट बन रही है वो ओवर थिंकिंग से हम चीजों को सोचने बहुत लग गए हैं ठीक है अगेन फिर बार प्रायोरिटी पे आती है कि हम उन चीजों को सोचने लगे हैं जिनका ताल्लुक नहीं है नहीं। जिनका कोई को वजूद को मकसद जिनका नहीं। वजूद नहीं है जिनको कोई मकसद नहीं, नहीं है और जिनको सोच जितना हम सोचते हैं जितना जितना हम सोच के जावियो को बढ़ा जैसे स्टमक है ना ज्यादा खाने से बढ़ जाता है तो मैं ये कहती हूँ कि सोचने से भी ना हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो उसको सोचे बगैर वो मिल वो खुराक बन गया बिल्कुल फीड बन गया कि दिमाग को वो चाहिए ठीक है अब वो जो सोचने का पैमाना है पॉजिटिव तो हो नहीं

ये ये बिहेवियर हम ना वो प्रोजेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं हम अपनी ओरिजिनल जो हमारी पर्सनालिटी है ना रियल पर्सनालिटी हम उसको छुपाने 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 में 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 हम 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 उसको उसको कवर देखिए जब एक चीज को लगते हैं ना ठीक हाँ, नहीं कर सकते अगर मैं कहूँ में खराबी हाथ रख लूंगी मैं उसको कहाँ से वॉश करूंगी साफ करूंगी जब मैं उसको छुपाने में लगी हुई बिल्कुल अगर मेरा फोकस उसको धोने में उसको साफ करने में लगेगा तो छुपाने में कम वो एनर्जी लगेगी ठीक है हम क्या कर रहे हैं हम इसी तरह जो दाग है हमारी पर्सनैलिटी की उनको छुपाने में लग गए को जब कवर, नहीं करना कम नहीं नहीं करना करना चाह चाह रहे रहे लेकिन छुपाना चाह रहे ऐसा ही है जब किसी चीज को छुपाने में या कवर करने में लगते हैं वो चीज़ कभी इसलाह की तरफ नहीं आती वो चीज़ हमेशा जैसे एक दस और बोलने पड़ते हैं तो एक बिगाड़ को आपको छुपाने के लिए दस और बिगाड़ करना पड़ता है और आप बिगाड़ कर ये ये चीज समझनी चाहिए हमें हम इस्लाह की जो इस्लाह की बात करें बड़ा खूबसूरत ये टॉपिक है और बहुत वसी है बल्कि क्योंकि हमारे पूरी जिंदगी इसके अंदर है हमारी yes, जिंदगी yes. का एक जो पहलू है वो इसके अंदर मौजूद है और इस वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं ना हमें मजीद लाह की जरूरत होती है बिल्कुल ऐसे ठीक है क्योंकि जब आप तरक्की करते हैं तो उस तरक्की में बिगाड़ के चांसेस ज्यादा होते हैं जैसे बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है तो ये बहुत फायदेमंद हम एडवांसमेंट की तरफ आए हैं मतलब हमने कभी सोचा था कि एक मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं कहा खतों खत भेजने का जमाना था आप खत के जरिए कनेक्टिविटी कर रहे थे आप कहाँ डायरेक्ट उस पर्सन से बात कर रहे करके अब वही चीज है कि जहां मैं तरक्की की वही उस चीज के नेगेटिविटी के नेगेटिव असरात भी हमने ले लिए अब यही यही चीज है कि हम हमारे जो पेरेंट्स है वो भी स्टक होकर रह गए कंट्रोल कैसे करें क्योंकि ये इस तरह फैला है कि आप एक घर में तो रोकते हैं दूसरे घर दूसरे घर में वो चीज तेजी से हो रही है तो पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि हम बच्चे को रोके वो बाहर जाके कंटिन्यूसली वही चीज एन्वायरमेंट में सर्कुलेट होते हुए देख रहा है तो वहां पर क्या रोल है कि हम क्या है हम जब स्टक हो जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर तो हमें अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ता है hmm. हमें अपनी स्ट्रेंथ को और हमें स्ट्रेंथ रखने के लिए अगेन मैं में आ रही हूँ हमें अपनी पर्सनालिटी को बच्चे के आगे स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है exactly. हमें पर्सन फिर स्ट्रांग होना पड़ता है hmm. लेकिन हम क्या है कि हम कहते हैं कि सोसाइटी में यही हो रहा है यही पार्ट है हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्टेंस मेन जड़ है बिगाड़ की

जो है कन्वे करता है हर जगह एग्जैक्टली exactly. बात दरअसल ये हमारा जो एक इस्लाम मजहब है जी. हमारा कल्चर हमारा बूदोबाज हमारा तरीका बिल्कुल अलग है हुँ. दूसरों का अलग है उसका अलग है उसका अलग है तो हमें अपने ही दायरे कार में रहना है क्योंकि हमारे दिन में कोई कमी नहीं है नबी पाकलम ने आखिरी खुतबे में फरमाया था अल्लाह पाक का ये जो आ, सारे मसले थे उन्होंने फरमाया कि मैंने आज दिन मुकम्मल कर दिया बिल्कुल और जब दिन मुकम्मल कर दिया उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं रहती और आप यकीन करें बहुत सारी कॉमें हमारे मुता करती हैं और उसमें से कुछ ऐसी चीजें आप देखिए हजरत उमर सैदना हजरत उमर फारूक रजील त कानून जो है ये पेंशन वाला ये चीजें ये वर्ल्ड वाइड राइज है बेरोजगारी लॉन्स राइज है तो हम हम अगर अपने मरकज से हटेंगे तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के और बात रहेगी घर घर से तो इस्लाम फैलेगा मगर मैडम बात तरह से वर्ल्ड वाइड हमारे जो लेवल ले, है जो हमारे इतने सारे इस्लामी ममालिकरबराहान हाँ। को भी बिल्कुल सत के दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनना पड़ेगा अल्लाह की मैदानियत पे यकीन और ईमान रखना पड़ेगा तब तो इस्लाम जो है सलाइयत करेगा और हम उससे फैजियाब होंगे है कि इस्लाम को ना कोई कर सका ना कर बिल्कुल सकेगा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ है बहुत शुक्रिया यकीन नाजिन हम इस्लामी तलीमत की बात करते हैं मुकम्मल दीन हमारे पास मौजूद है मुकम्मल जबतः हयात है, है तो क्यों ना हम उसकी तलीमत पे अमल करते उसको पढ़ कर अपनी जिंदगी के तमाम तर प्रॉब्लम मसाइल को हल कर सकते हैं इस पर भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन चूंकि ब्रेक की जानब नाजिन हमें बढ़ने हमारे साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशा मदीद हमारा मौजूद नाजिम जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है इसकी हम बात करें और उसमें जिन रुकावटों का हमें सामना है जो रुकावटें हमारे इस्लाह में आ रही है उसको हम डिस्कस करें इसका सदैब आप क्या हो रहा है इस पर डिस्कशन की जा रही है आज के मौजू पर नाजिन ना आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए नंबर आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी प्रोफेसर आसिफ रसूल साहब आपकी जानी बढ़ते हैं काफ़ी सारे इंतशार मुआरे में हमें देखने को मिल रहे हैं आ, ऐसा से कमतरी का शिकार लोग होते दिखाई दे रहे हैं डिप्रेशन का शिकार होते लोग दिखाई दे रहे हैं अपनी जो असलियत है उसको छुपाने की कोशिश में लगे हुए और ये तमाम तरह चीज़ों से हमें हमारी एजुकेशन निकालती है तो हमारे आज की तालीम को आज के एजुकेशन को आप कैसे देख रहे हैं ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि अगर वाकई उस तरीके से उनके हाँ। अंदर ये मतलब तो कहते हैं ना पहले वो एक कॉन्सेप्ट किसी जगह पे बड़ा अच्छा बयान किया जा रहा था हाँ। कि ये तरबियत पहले होती थी तरबियत हाँ। अब ये ना तालीम और तरबियत तरबियत ताली तो और तालीम इसको ज़रा बदल दें ताकि पहले वो ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए मिस uh, मैंने जो पर्सनली फील किया है वो ये है कि अगर हम एक चीज़ डेवलप करें ना ये ओपन माइंड सेट कि हर इंसान बच्चे के अंदर अगर आप उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं है. उसमें अगर हम सोशल मीडिया से स्टार्ट करते हुँ. हैं तो मैंने अपने पिछले तकरीबन एक साल से आ, मैं जहाँ कहीं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी के बच्चों से तकरीबन जब भी पहला से स्टार्ट होता है ना तो मैं उनसे सबसे क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे एक रेशियो बता दें कि अगर हंड्रेड परसेंट सोशल मीडिया आप देखते हैं तो इसमें से कितनी अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नाइनटी एट परसेंट केसेज में वो सिर्फ एंटरटेनमेंट वापस के लिए यूज़ अब ये एक बड़ा ही मतलब एक अलमिया है हमें एक जिस तरह सुबह इस प्रोग्राम के तब से माओ को मैं कहूँगा कि आप खुद अच्छा उसको अपने लिए भी यूज करें वैसे पेरेंटिंग के हवाले से पाकिस्तान के हैं बहुत अच्छे स्पीकर हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं आप उनको सुने लेटेस्ट ट्रेंड आपको बताएंगे गाइड करेंगे बिल्कुल ऐसे सेकंड ये कि आप जब अपना करेंगे फिर बच्चों के साथ आप बैठ के ना उनको अच्छी चीज़ों में इंगेज करें ताकि उनके अंदर कोई साइंटिफिक थिंकिंग आए अब इक्कीसवीं सदी के ये पहले दस बीस साल हम गुजार चुके हैं उसके अंदर एक थोड़ी सी सोच है फिर मैं मेरा मतलब ये जो बहुत सारा मतलब मटेरियल मैंने पढ़ के ना उससे मैंने एक चीज अखज की है और बहुत सारे लोगों से मैंने सुना भी है कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है ये फास्टेस्ट सेंचुरी है इसमें इंतजार रहने की ज्यादा इसलिए चांसेस हैं हाँ। कि देखिए साल का बच्चा हाँ। मतलब अभी मुझे कल मेरे एक दोस्त शेयर कर रहे थे कि एक करोड़ रुपया कमा रहा है पर मंथ अब आप इमेजिन करें कि कभी ह्यूमन हिस्ट्री में एक बच्चा अपने लेवल पे आके क्या कर सकता था अब वजह यह है कि अब ये वो बच्चे हैं जिनको एंगेज कर दिया गया यही सोशल मीडिया और बच्चा पंद्रह अब बात से ना कि जब पूरे प्रोसेस से गुजरा है ना तो वो मेरे दोस्त बता रहे थे कि जब हमने इसको इनवाइट किया ना कि उस प्लेटफॉर्म में कि हाँ। अपना शेयर करें हाँ। तो हमें ऐसे लग रहा था कि ये अस्सी साल बाबा बैठा हुआ है देखिए वो कमाने वाला था हाँ। वो एक प्रोसेस से गुजर के गया है तो वो कॉन्फिडेंटली बोलेगा ना सही। तो बात ये है कि ये जो 21वीं सदी है ये तेज तरीन सदी है बिल्कुल, बिल्कुल, फिर इसमें एक और बड़ा चैलेंज आएगा जिसमें ये शायद बेहतर तरीके से वो अपने पर्सपेक्टिव से बयान कर सकें कि पहले होता था ना जिंदगी आम चलती थी कि जिस तरह सरम हमारे साथ बैठे हैं कि आप आए आपने एक फील्ड चुनी और सारी जिंदगी रिटायर तो फिर, फिर उससे आगे और स्पेशली जो ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं उसमें हाँ। टॉप की क्वालिटी चाहिए इस वक्त क्रिएटिविटी हम हाँ बच्चों को टाइम वेस्टिंग फन हालांकि उन्हें ये नहीं दूसरी साइड नहीं दिखा रहे की ये बड़ी खूबसूरत सदी है आप दुनिया के नहीं जिस कोने में बैठे हैं जिस गांव में बैठे हैं आप अपने घर वालों के लिए बड़ा कुछ बना सकते हैं बहुत अच्छा ना? लेकिन अगर आप पॉजिटिव इंगेजमेंट करें आप इस तरह अगर हम की करते हैं ना कि लोगों को प्रोडक्टिव वे में लगाए के यही उनके पास कनेक्शन हो थोड़ा बहुत अपना सीखना शुरू कर दें हाँ। उसका फायदा ये होगा कि अदरवाइज ये जितने टाइम वेस्टर बैठे हुए हैं जितना सिर्फ मैं भी देखे ना कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि वो मतलब मूमन पेरेंट्स के आप देखेंगे कि जब भी बच्चा रो रहा है तंग कर रहा है ये नहीं मोबाइल हाँ। अब वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए खेली जा रहा है गेमें और वो खुश हैं <laughs> जी अच्छा खुद उन्होंने कोई खुदाना खासा कोई ड्रामे की सीरीज शुरू कर दी है हाँ। तो वो नहीं खत्म हो रही तो फिर आपकी हट रहे हैं ना डि, डि, डिवियट कर रहे हैं तो फिर क्या आपका ख्याल है कि आप अपने मॉडल लगा लेंगे अपने मॉडल के लिए तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा ऐसे। आपको बहुत कुछ एज पेरेंट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फिर आप डेवलप कर सकते हैं फिर आप जब उस्तादों की तरफ आते हैं तो उस्तादों ने पहले रोड मारना खुद बनना है ना पहले आप खुद डेवलप करके देखेंगे मसलन अगर आप अपने माइंड के साथ चेंज तो उस्ताद की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए बेपना रीडिंग है है जो कि बहुत कम आपको नजर आती है। जब आप नई नई चीजें पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बड़ा आसान होगा अपने बच्चों को चेंज करने के लिए आप देखें बच्चे जो मर्जी देखें ना तो मैं अक्सर बच्चों कहता हूँ कि हम हर शो देखते हैं हाँ। वो कहते हैं क्यों मैं कहते ना हमारी ऑडियंस में हाँ। अब पता नहीं बच्चे को क्या अपील कर रहा हो तो हमने तो हर साइड से आपके साथ इंटरेक्शन करना है तो बात यह है कि इसको ना सोशल मीडिया को हम बड़े पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं अब देखें कुछ लेकिन वही कंटेंट अगर हमारा अपना बना हुआ होता वो हाँ। बाहर ना हाँ। हाँ। तो वो इतना ही हो सकता है और इस वक्त खतरा ये है इसको कंक्लूड मैं करूंगा कि अगर लोग बंदों को इस तरफ आप नहीं लगाएंगे और जो आगे ट्वेंटी तक ट्वेंटी तक के प्रडिक्ट कर रहे हैं मसाइल आम बंदे के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो, हो जाएगा और हो जाएगा। फिर उससे में और ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा। एग्जैक्टली exactly. नसीम साहब अगर अभी से हमने इन तमाम चीजों को कंट्रोल नहीं किया क्योंकि आजकल के बच्चे अपने वाले की सुनना नहीं चाहते आजकल के बच्चे बड़ों के कोई तजर्बात से सीखना नहीं चाहते बल्कि वो समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं ठीक है माना जदीद दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है गूगल यूट्यूब से उनको इन्फॉमेशन मिल रही है लेकिन जो बड़ों के तजुर्बा हैं उनके आगे तो वो तमाम चीजें कुछ नहीं है इस पर हम आएंगे ब्रेक की जानी पड़ना ब्रेक के बाद इस डिस्कशन पर हम आते हैं नाजुल हमारे साथ रहेगा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजीन सर एक दफा फिर से आप तमाम तो देखने वालों को कहते हैं खुशशा मदीद हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है नाजिन माशरे की असलाह के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें किन रुकावटों का हमें सामना है उसको डिस्कस किया जा रहा है उसका सदे क्या हो सकता है उस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है डेफिनेटली आप भी नाजन हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल कीजिए नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं जी नजीम साहब ब्रेक पर जाने से पहले बड़ों के हवाले से हमने बात की थी कि आज के बच्चे बड़ों से क्यों नहीं डिस्कस करते बड़ों के तजुर्बा से क्यों नहीं सीखते असल में हमारे यहाँ जो बहुत सी माशरती खराबियाँ हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी सोसाइटी के एक तबके का मसला है कि माँ बाप की बात नहीं सुनते जहाँ तक जरा से सेकंड और थर्ड रेट की पॉपुलेशन का तल्लुक है उसमें उनके पास ये फैसिलिटीज़ कम हैं। इसलिए वो बर रास्त अपने वालदेन से भी अपने साथ साथ से भी सीखने के काबिल हैं और मैं समझता हूँ कि हाई सोसाइटी में जो ये मसला है वो भी उसकी वजह यह है कि वालदेन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी औलाद की तरफ मतवजो हों वो खुद अपने मामलों में अपनी मसरूफियात में हुँ। हुँ। अपनी बहुत सी सोशल कमिटमेंट्स में इतनी मसरूफ़ होते हैं कि घर की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता सो मच सो के बाजुत तो मियाँ साहब कहीं होते हैं और बीवी मोहतरमा कहीं मसरूफ़ होती हैं उनको है। एक दूसरे की मसरूफियात से भी वास्ता नहीं होता तो ऐसे में औलाद एक एलिनेशन का शिकार हो जाती है तनई का शिकार तनहाई हो जाती का, है अब जब तनहाई है तो वो कहते हैं कि एन एन एम माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप तो जब वो तनाई का शिकार होते हैं तो ज़हर उन्हें कोई ना कोई रास्ता ढूँढना पड़ता है को आउटलेट ढूँढना पड़ता है नतीजे में वो या तो बुरी सोसाइटी में फंस जाते हैं या जैसे आपने फरमाया कि सोशल साइट पर नेट पर और इधर उधर की मसरूफियात में अपने आप को उलझा लेते हैं और इससे उनका जो उनकी तालीम पर उनके माशर्ती बिहेवियर पर असर पड़ता है वो बड़ा अफसोसनाक है exactly. और हम जितनी खतरनाक है जी हाँ जनरेशन के लिए खतरनाक है जाहिर है जब एक बच्चा बड़ा होगा इसी एप्टीचूड के साथ इसी एटीट्यूड के साथ तो वो अपनी औलाद को क्या देगा क्या देगा यही रास्ता दिखाएगा तो मेरा ख्याल है कि हम इस पर भी कोई तोजो दे के कोशिश करें कि इस सिलसिले को भी कर्ब किया जाए और हमें डायवर्ट किया जाए इस ला के बहुत ज्यादा जरूरी है वजी साहब व वालदेन पर हम बात करें जो हाई सोसाइटी के जैसा वालदेन की बात की वाकई ऐसा है वालदान अपने बिज़नेस में अपने मीटिंग्स में गेट टुगेदर्स में मसरूफ़ हैं उनको नहीं पता उनका बच्चा जो है वो किस तरह की गैदरिंग में है क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं वही बात कि वो फिर मसनू खुशियों के लिए कंपनी तलाश करने के लिए अपने वो अकेलापन खत्म करने के लिए नशावर चीज़ों की तरफ चले जाते हैं बेशुमार जो गलत रास्ते हैं वो अपना लेते हैं जिसकी वजह से फिर मुआरे में काफ़ी बुरायाँ उनकी वजह से जन्म ले लेती yes. मैं इसमें पॉइंट ऐड करना कि एक गलत फैमिली का भी शिकार है पेरेंट्स कुछ जो कि हाई प्रोफाइल की बात कर रहे करे या मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं जो अर्निंग है। में मसरूस हैं है। जिनको बेसिक नीड्स भी पूरी करनी है स्पेशली आजकल के दौर में सॉरी टू से अब उसमें क्या है कि पेरेंट्स मोस्टली जब मेरे पास आते हैं तो वो चीज मुझे कहते हैं हम उनके लिए सब कुछ रहे हैं हम इनको अच्छा पहनावे के लिए दे रहे हैं इनकी हर हाँ ख्वाहिश पूरी करें इनको घुमाने ले जाते हैं हफ्ते हाँ, में एक दफा हाँ। या हम दिन में एक दफा को मूवी नाइट कर लेते हैं हफ्ते हाँ। 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 में एक दफा तो हम तो इनको दे रहे हैं फिर किस चीज़ की शिकायत है यहाँ पे मैं इस गलत फहमी को दूर करना चाहूंगी कि ये चीज़ नहीं आप अपनी मैं उन पेरेंट्स कहती हूँ अपनी पेरेंटिंग देखें सोने से पहले पेरेंट्स टाइम देते थे कहानियां सुनाते थे फिर अपनी जिंदगी के वाकियात सुनाते थे कनेक्टिविटी के लिए आपको अपने आप को बच्चे से कनेक्ट करना पड़ता है हम क्या करते हैं बच्चे को बात की दुनिया से कनेक्ट कर देते हैं कपड़ों में मूवीज में या पार्क में ले गए। के साथ टेक्नोलॉजी के साथ अब पार्क बा, में भी लेके गया तो बच्चा अपना खेल रहा है आप खुद खेलें खुद खेले आप जितना इन्वॉल्व होंगे बच्चे की लाइफ में आप बच्चे को समझेंगे अब इन्वॉल्वमेंट ये नहीं की आप डोमिनेंट होने की फॉर्म में समझने की फॉर्म में आप बच्चे को तभी समझेंगे ना जब उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे उसके साथ बातें करेंगे आजकल के बच्चों में एक्सप्रेशन नहीं है आप देखिए ज्यादातर बच्चे जो है उनमें एंजाइटी कॉन्फिडेंस का इशू सेल्फ स्टीम का इशू क्यों है क्योंकि उन बच्चों का एक्सप्रेशन नहीं निकलता सिंस चाइल्डहुड

खुद को नहीं समझते या अपने बॉन्ड्स नहीं बनाते नहीं। पेरेंट्स के साथ वहाँ पे आपकी सोसाइटी के गलत बॉन्ड्स बनते हैं ठीक yes. है तो सबसे पहली चीज इंसान को खुद को समझने की होती है वो समझने के लिए उसको जरूरत होती है दूसरे की जो उसके पेरेंट्स हैं जो टीचर्स हैं पेरेंट्स का रोल यहाँ आता है कि बच्चे के साथ आप ज्यादातर जो है ना टॉक सेशन रखें आप कम्यूनिकेट करें बच्चे की जिंदगी से आप आगा रहें कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है अमूमन पेरेंट्स जो हैं जरा सी कोई बात होती है उसको हवा बना लेते हैं परेशान हो जाते हैं और उसमें बच्चे बच्चा भी जो है ना फिर समझता है कि शायद मेरी जिंदगी में तो बहुत बड़े मसले हैं oh, 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 oh. बच्चा बच्चे को हल करना सिखाए exactly. ना बड़े से बड़ा मसला भी है ना तो मसले को हल की तरफ लेके आए hmm. अच्छा अब ये कि छोटी एज, कम उम्र में बच्चे के डिफरेंट इशूज होते हैं एज के साथ साथ वो डिफरेंट Change होते हैं जैसे मैं देती हूँ मेरा भतीजा तो कल वो सेल डाल रहा था नहीं डाल रहे और वो सही वाला पैनिक हो गया और रोने लग गया अब अब हर एज के डिफरेंट इशूज हैं ठीक है तो वही वाली बात है कि स्पेशली आजकल का बच्चा मैं बार बार ये चीज हर प्रोग्राम में करती मैं हूँ कि मेचोरिटी जल्दी आ रही है मत कंपेयर करें कि हमारे उस टाइम पे तो सात साल तक नहीं पता होता था आजकल के चार साल पांच साल के बच्चे को भी पता है ये जो आपके हाथ में गैजेट्स हैं ये, ये आपको सब कुछ बता लेकिन रहे ये बात ना हम, हमारी हमारी सोसाइटी में बात समझ समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम हम बहुत जल्दी इंतजार की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी से जा रहे हैं और हम हमारी जनरेशन सफर कर रही है इस जनरेशन को हमने बहुत देखिए सात साल में पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है और जो लोग ये समझते हैं कि पांच छह साल में तो बच्चे को समझ नहीं आ रही वो बहुत बड़ी गलती नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल है वो आपको तब पता चलेगा जब वो दस साल बारह साल का हो जाएगा बिल्कुल उसने क्या एब्जॉर्ब किया है तो बच्चे के सामने एक तो ऐसी बातें मत करें जो सोसाइटी में इंतजार चल रहा है पेट्रोल महंगा हो गया ये ऐसी चीजें होगी ये बच्चे

पेट्रोल है क्या खाने की क्या इश्यूज हैं स्कूल की फीस के क्या इश्यूज हैं लेकिन वो उस एनर्जी को ले रहा है exactly. वो स्ट्रेस वो जो आप तोन, जिस तोन में बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं मेरे माँ बाप कर रहे हैं वही हमारे exactly. एक सबसे बड़ी खामी है कि हम समझते हैं कि बच्चा उस वक्त कुछ चीज़ों से समझ नहीं है कुछ सीखने की वो भी उसकी उम्र नहीं है इसी गलत फहमी से हमने निकलना है क्योंकि बच्चा उसी वक्त आपके उस रवैये को देख कर अडोप्ट कर रहा होता है चीजों को सीख रहा होता है इस पर भी आगे चल के बात करते हैं लेकिन उससे पहले ब्रेक की जानी पड़ना है हमारे साथ रहेगा मिलते हैं ब्रेक के बाद एक दफ़ा तो फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशा मदीद हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है नाजन असला हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ साथ उसमें पेश आने वाली जो रुकावटें हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है उसके साथ साथ हम किस तरह से इसके सलूशनस निकाल सकते हैं डेफिनेटली प्रॉब्लम नाज्रीन हर दौर में रही हैं हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम भी डेफिनेटली हमने खुद पैदा की ख़ुद क्रिएट की वक्त के साथ साथ हमने इनको बढ़ावा दिया है तो वक्त के साथ साथ हमने इसके सलूशनस भी निकाल है ताकि ये जो अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत सी हमें ज़िंदगी दी है जो इस जिंदगी का जो मकसद है जो हमारे तख्लीक का मकसद है मतलब उसको पहचानना और बड़े खूबसूरत ऐसा तरीके से इस जिंदगी को हमने गुजारना है ताकि अपने साथ साथ हम अपने इर्द गिर्द के लोगों का जो भला है वो भी कर सकें उनकी असलाह भी कर सकें और इसी का नाम जो है वो जिंदगी है प्रोफेसर साहब हाँ आपकी तरफ आते हैं आखिरी सेगमेंट है आप कुछ ही मिनट्स हमारे पास है अब जैसे मैंने बात की प्रॉब्लम्स बेशुमार है डेफिनेटली वो कभी ख़त्म नहीं होंगी जब तक तो वो कहते हैं सुकून जो जब हमें कबर में ही जाकर मिलना है तो हमने अपनी आखिरत को भी संवारना है दुनिया को जिस तरह से हमने संवार रहे हैं तो इसी तरह से हमने अपनी आख़रत को भी देखना है और आखिरत तभी हो सकती है जब हम अपनी असलाह कर लें हम दुनियावी चीज़ों के ऊपर जिस तरह से फोकस किए जा रहे हैं उसी तरह से अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए इस्लामी तालीमत को मद्देनज़र रखें तो क्या ही बात है ये बड़ी खूबसूरत है मैं अक्सर आप देखें ना कि लाइफ में ये जो शुरू वाला सफ़र है ना हाँ। जिस तरह ट्रेन निकलती है ना तो हाँ। ट्रेन बेहद तेज़ निकलती है फिर दरमियान में उसी तरह सफ़र फिर एक अल्टीमेटली जब एंड आता है ना तो बड़ी आहस्ता आसते स्लो होना शुरू हो जाती है अब देखिए नेचुरली 45 50 के बाद ना लोग रिलीजन की तरफ टेंड और हमारे यहाँ पाकिस्तानी बहुत सारे बबे आपको मस्जिदों में एंड पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं आखिरी दिनों में काश यही स्टार्ट से शुरू हो जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होगा अल्लाह exactly. ताला, ताला ने अगर ये देखे ना ये जो मशीन बनाई है ना हाँ। ये अल्लाह मियाँ की मशीन है बिल्कुल अब इस मशीन के लिए जो मॉड्यूल अल्लाह मियाँ ने दिया है ना दीन की सूरत में वो मेरे ख्याल में दी बेस्ट मॉड्यूल है इसको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग में रखने के लिए अब उसके लिए आप देखें कि मतलब मैं एक चीज़ हमेशा याद रखता हूँ और कोडी बहुत ज्यादा करता हूँ कि हजूर पल्लम के एक इतवा साहबा ने कहा कि किसल्लम ये क्यों होता है कि जब हम आपकी कंपनी में होते हैं तो हमारी ईमानी कैफियत हो रही है और जब हम आपसे दूर होते हैं तो हमारी ईमानी कैफियत डिफरेंट होती है उसमें हजूरपासी ने एक रिकमेंड किया कि हमेशा ऐसी महफिल में अटेंड किया करो जिससे तुम्हारी ये रिवाइवल होती रहे क्या बात है अब हमें भी जिस जितना 21 फास्टेस्ट ترین सेंचुरी में हम रह रहे हैं ना तो हमें एक रिवाइवल के लिए इस साइड पे फोकस यानी फैमिली के साथ खुद मतलब आपकी रिवाइवल होती रहे फिर जो दीन आपके अंदर स्ट्रेंथ लाता है ना वो कोई और चीज़ नहीं ला सकते जैमसन हम हजरत बिलाल हफ्तर देखते हैं वो मतलब जितनी तकलीफें बर्दाश्त थी तो ये वो जमाना था ना कि जिन्होंने देखा हुआ था मतलब जो, जो जो कुछ वो लुटा रहे थे हुँ। और हुँ। वो एक मतलब इंच भी अपने स्टांस से नहीं हट रहे थे तो ये आपको ना जेनवन जो आपके अंदर स्ट्रेंथ लाती है और फिर मैं अपने इवन आम सोसाइटी में देखता हूँ लेकिन जितना सादे मौलवी होते हैं जितना सिंपल लाइफ जिनको तो ये जिनके अंदर ये दीन चला गया ना तो वो वो तो अपनी लाइफ वाकई एंजॉय कर सकते हैं। चले अगर अच्छा लोगों अच्छा को, आ को इसकी नहीं आ रहे इतना सख्त नहीं है वो हम पे सख्ती करंट करता में इस मतलब, <laughs> जो उसको बना <laughs> के ना तो कहते हैं इंसानो को अगर आपके अंदर जिस तरह जिया पहले बच्चों की बात करे तो उसमें एक मुझे जो अच्छा वर्ड लगा वो एंगेजमेंट हाँ. किसी भी इंसान को अगर पॉजिटिव एंगेजमेंट में लग जाता है ना बिल्कुल काश उससे अपना शौक मिल जाए क्या बात है? और फिर शौक डैमेज तो तो करना है ना किसी हाँ। प्रोफेशन में बैठा हुआ उसका दिल नहीं लगता तो फिर वो क्या करेगा हाँ मजा तो यह है कि अपनी क्रिएटिविटी में लगता है तो फिर हमें मादाम क्यूरी नजर आती है उसको क्या लगे की कौन क्या कर रहा है वो तो इतनी इंगेज थी अपनी मतलब इस तरह अगर हमने इंसानों को इंगेज करना सिखा देना कि अपने-अपने तो अपने अपने बहुत सारे के मतलब आ, सही कम हो सकते, हो लोग सकते खत्म भी सोल्यूशन बताए किस तरह से हम अपनी हो चुका है लेकिन मैं समझता हूँ कि हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक जेर बहस नहीं आया वो मुआरे की असलाह में हमारी फलाही एक्टिविटीज़ का तल्लु है या बहबूद के लिए या सोशल वेलफेयर के हिसाब से कि हमारा एक तबका है जिसको बहुत कुछ ज़रूरिया भी हैं तो हम उस तबके से जिसमें माशाल्लाह खुशहाल लोग बहुत ज़्यादा हैं उन पर यह भी फ़र्ज़ है कि अपने इर्द गिर्द के उन लोगों की जो माशी तौर पर और एक दूसरे हवालों से कमज़ोर हैं और जिनके बारे में पहले रिसर्च करके उनकी मदद की तरफ आज बढ़ाना चाहिए ऐसे। मेरा ख्याल है है के लिए ये एक एक बड़ा अहम पहलू exactly. और इस पर तो तवील डिस्कशन लेकिन आज आज देखें ऐसे लोगों की हम मदद तो करना चाहते हैं लेकिन वो मदद भी एक दिखावा बन चुकी है जी पहले कहते थे ना ने कि नेकी कर और दरिया में डाल ये एक मीम भी बनी और अब कहते हैं कि नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल अभी अब ये चीजें देखने में मिल रही मुझे तजुर्बा हुआ कि एक तंजीम थी उसके साथ मैंने कुछ कोऑपरेट किया फाइनेंशियली तो उन्होंने जिस दिन ये एक्टिविटी करनी थी हाँ। मुझे बुलाया और वीडियो लगा दिया कि जनाब आप दे और मैं मैंने कहा नहीं।, नहीं मैं वहाँ से हट गया मैंने कहा मुझे वीडियो पर कह दिया ना की मदद करें एक हाथ से दूसरे हाथ को पता यही होना चाहिए यहाँ पे पूरी दुनिया को तो दिखाने की कोशिश ये एक बड़ी अहम पहलू है

एक्जैक्ट exactly. तो जाविये को रखेंगे हम जितना एक हाँ। पैरामीटर सेट कर देंगे हाँ। उतनी ही हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी आसान हो जाएगी क्या खूबसूरत बात की बहुत शुक्रिया नसीम सैर साहब आपका वजिया ऐसी प्रोफेसर आसिफ रसूल साहब आपका, आपका मेहमानों ने हमें वक्त दिया और यकिन नाज़िन हम जहाँ माशरे की असलाह की बात करें सबसे पहले हम अपने से ख़ुद से अपनी ज़ात से अपनी असलाह का जो है वो उसका आगाज़ करें तो यकी बेशुमार चीज़ें जो है वो मुआरे में बेहतर हो सकती हैं ठीक हो सकती हैं जिस खुशगवार जिस पुरसकून जिंदगी का हम सपना देखते हैं ख्वाब देखते हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं ये हमारे बस में अल्लाह पाक ने हमें ये खूबसूरत सी जिंदगी दी है सलाहितें दी हैं सोच समझ हमारे अंदर रखी हम सही और गलत का फैसला कर सकते हैं तो क्यों ना अपने साथ साथ हम अपने इर्द गिर्द के लोगों की भलाई का भी सोचें उनकी मदद करें अगर आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना तो अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और अहम मैसेज टॉपिक के साथ अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा अल्ला के बाद